नोएडा सेक्टर 93 रे वर्तमान आम अच्छु सुपरटेक रे बिल्डिंग भुशुड़िया को जाउची आम सहित जो पड़ोसी मान रही सहित आलोचना करवा जो मैंने ये बसवास कर मैम मन में कोई डर या आशंका है जो टूटने जा रहा है आप पास में रहते हैं मन में कोई ऐसी आशंका है आपके मन में? थोड़ी सी है कि सब कुछ सेफ रहना चाहिए पर हमें अश्योर किया गया है कि सब कुछ ठीक ही होगा। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से या पूरा जो साइंटिफिक टीम आए थे वो जांच वांच किए थे? टीम ने आके हमारे घरों में जांच करी है कि कहीं कोई क्रैक्स अभी तो नहीं है और वो बाद में भी देखेंगे सारी चीज़ें और उन्होंने अश्योर किया है कि कुछ भी खराब होगा वो रिपेयर करके देंगे। आप जैसे कि प्रोटोकॉल मैम सुनने को मिल रहा है कि उस दिन सुबह 7 बजे यहाँ पे खाली करना, आप मेंटली प्रिपेयर हैं उसके लिए? हाँ जी बिल्कुल, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। यस, तो ये जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से की गई है, आप खुद मैनेज अपना तरफ से कर रहे हैं? जब हमें कुछ हेल्प चाहिए होगी हम अवश्य उनसे मांगेंगे और वो हमें हेल्प करेंगे, इसकी हमें पूरी आशा वो है। क्या व्हाट यू कॉल जो टीम आए थे जो टीम थे मैम आपके घर पे आए थे तो कितना आश्वर करने के बाद आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं? नहीं एक्चुअली हमारी मिक्स फीलिंग्स तो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट द ओनली थिंग इज कि वी आर वेरी हैप्पी कि ये फाइनली अब टूटने वाला है। अच्छा। जितने सालों से हम इसको झेल रहे हैं बेसिकली वो अब प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। इसे इसे सुपर विक्ट्री। ये मतलब ये जो आप बोल रहे हैं झेल रहे हैं इसका मतलब कहानी इन द सेंस कि ना हवा आती है ना धूप आती है, जो पहले इतनी अच्छी हवा और धूप आती थी। अच्छा। अब वो बिल्कुल बिकॉज ऑफ दिस जिस टॉवर्स हैं आई मीन एस्पायर वन तो वहाँ का पूरा बंद हो गया है धूप और हवा। जब ये एक्चुअली हमने जब यहाँ घर खरीदा था वी वर टोल्ड कि ये चिल्ड्रंस पार्क होगा। अच्छा। एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ बट हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा 32 फ्लोर्स का होने वाला है। अच्छा। तो इस दैट वाज लगभग कितने सालों से रह रहे हैं? 15 साल हो गए हमें यहाँ। ये बिल्कुल स्पेस खाली था? एब्सोल्युटली, इट वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी एंड देयर वाज जस्ट अ कॉफी डे देयर एंड वी यूज्ड टू गो देयर फॉर कॉफीज एंड ऑल, राइट, बट इट जस्ट केम अप विद इन few years, I mean the month I would say just start building up. It was no, like in fact we thought 4-5 manzile hi hoga but it's like a huge स्ट्रक्चर ना इसके पीछे जो आप बता रहे हैं आप रह रहे हैं तो इसके अच्छा तो कितने कितने लगभग फ्लैट होगा? फ्लैट अगर 44 मतलब वेंटिलेशन के लिए बिल्कुल ये सही नहीं था। हाँ राइट। अच्छा मैम आप क्या बताएंगे? मैं बिल्कुल नेस्टेड हूँ जो एकदम इसका सबसे नियरेस्ट टावर है उसमें रहती हूँ और हम 12 सालों से लड़ रहे हैं इसके लिए। बोल रहे हैं कि 30 मीटर रेडियस पे इसका इम्पैक्ट रहेगा तो आपका बिल्डिंग नहीं हमें बिल्कुल आता है उसमें बट हमें ऐसा कोई डर नहीं है, वी आर मच सिक्योर। हमें लग रहा है कि पूरी अच्छे तरीके से तोड़ेंगे और अच्छे तरीके से वो लोग कर रहे हैं, RWA मिलके कर रहे हैं, टेक्निकल टीम्स हैं यहाँ पे और एडिफाइस जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड तोड़ चुकी है ऐसी चीज़ें, तो हमें बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और इलीगल टावर था, टूटना तो बनता था उसका, तब से ही उसको नहीं आना चाहिए था, बट आ गया था और ये सबके लिए एक सीख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इलीगल टावर के साथ कोई ऐसे करेगा तो बहुत ही अमेजिंग। तो ये तो एक वन ऑफ द हिस्ट्री है इंडिया के लिए। थैंक यू। आपण शुणुले आम सहित पड़ोसी मैंने जो मैंने काफ़ी खुशी अच्छा कहीं से चाहून एत बड़ बिल्डिंग हो पूरा इलिगल कंस्ट्रक्शन होता और बहुत दिन धरी से लड़े करेणु जो भांगा जाने खुशी व्यक्त करो कंपनी या भांगे जाकर एक्सपीरियंस रही पूरा आश्योर कराई मिक्स रही प्रतिक्रिया कितुतापर भी से खुशी अच्छा कहीं गोटे प्रपर भेन्टिलेसन हम और जोटा चिल्ड्रेन्स पार्क हाँ को प्लानिंग सीट जिते एत बड़ कंस्ट्रक्शन हो एवं पाखापाखि 10-15 वर्ष है से बहुत असुविधा फिल करते कौटना कौटी पड़ोसी मैंने खुशी व्यक्त करती। नुआ दिल्ली रू कैमेरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज।